नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर अभी तक आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो आप किन किन लाभों से वंचित हैं, ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा देश के असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से 4 करोड़ कामगारों ने ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ई श्रम पोर्टल पर कामगारों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार कामगार पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड के कामगारों को क्या क्या लाभ मिलेंगे, आइए जान लेते हैं। ई श्रम कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट या CSE के माध्यम से बनवाया जा सकेगा। कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आगे चलकर पेंशन जैसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। श्रम विभाग की सभी योजनाएं जैसे फ्री साइकिल, बच्चों की छात्रवृत्ति, फ्री सिलाई मशीन और कामकाज वाले मुफ्त उपकरण का लाभ मिलेगा। घर बनाने के लिए सहायता के तौर पर पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाएगी। यदि दुर्घटना में कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि दुर्घटना में कामगार आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे मात्र 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही पंजीकृत कामगारों को एक UAN भी दिया जाएगा। ये थे ई श्रम कार्ड से आपको मिलने वाले लाभ, और यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।